आज मैं सीमेंट से प्लांटर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है और ये दो लकड़ी की चॉपस्टिक ली है। वैसे मुझे लोहे के दो रॉड चाहिए थे, पर लोहे के रॉड मेरे पास नहीं थे तो मैंने ये चॉपस्टिक ली है। इसे मैं हॉट ग्लू से चिपका रही हूँ। वाइट सीमेंट और POP में पानी डालकर मैंने ये घोल बनाया है। इस घोल को कार्डबोर्ड के बॉक्स में डालते हैं। मजबूती के लिए मैंने इसमें लोहे की तार भी डाल दी है। ये हमारे प्लांटर के नीचे का बेस है, इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम प्लांटर का दूसरा भाग बनाते हैं। ये मैंने पतला कार्डबोर्ड लिया है। पतला कार्डबोर्ड आसानी से मुड़ता है, इसीलिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड पर मैंने ये रफ डिज़ाइन बनाई है। इसी डिज़ाइन के ऊपर मैं कार्डबोर्ड की पट्टी चिपका रही हूँ। मैंने बॉटल के नाप का कार्डबोर्ड का रोल बनाया है। इसे हॉट ग्लू से कार्डबोर्ड पर चिपकाते हैं। हमें हॉट ग्लू से सभी जॉइंट भरना है ताकि सीमेंट का घोल बाहर ना निकले। हमारे प्लांटर का बेस भी सूख गया है। इसे डिजाइन के बीच में फिक्स करते हैं। चार चम्मच ग्रे कलर का सीमेंट और दो चम्मच POP इस अनुपात में मैंने इन्हें लिया है। पानी डालकर इसका पतला घोल बनाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा ब्राउन और ब्लैक कलर डाला है ताकि सीमेंट का ग्रे कलर और भी डार्क हो। अब इस घोल को सांचे में डालते हैं। मजबूती के लिए मैंने इसमें लोहे की तार डाली है और वजन में थोड़ा हल्का हो इसलिए बीच में थर्माकोल के टुकड़े डाले हैं। इसे हमें ज़्यादा सूखने देना नहीं है। इस पर हम आसानी से डिज़ाइन बना सके, इतना सूख जाए तब कार्डबोर्ड को हटा देना है और डिज़ाइन बनाना है। इस तरह मैं सीमेंट को उकेर कर डिजाइन बना रही हूँ। अब इस डिज़ाइन पर मैं वाइट एक्रेलिक कलर लगा रही हूँ।
कलर सूखने के पहले हमें टिश्यू पेपर से कलर को पोंछना है। डिज़ाइन में ग्रे और वाइट शेड दिखने के लिए मैंने वाइट कलर पोंछा है। व्हाइट कलर अच्छे से सूखने के बाद मैं सैंड पेपर से डिज़ाइन को घिस रही हूँ ताकि सीमेंट का डार्क शेड उभर कर आए। डिज़ाइन के साइड का भाग भी मैंने सैंड पेपर से घिसा है। हमारा कम खर्च में महंगा दिखने वाला प्लांटर तैयार है। व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में बना ये प्लांटर थोड़ा बहुत पत्थर पर डिजाइन बने जैसा दिख रहा है। अब इस प्लांटर में मनी प्लांट को रखते हैं।